गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। ओए ओए ओए, रुक, भिखारी कहीं के कहाँ चला आ रहा है? तेरे बाप का घर है क्या? तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे रोकता है? अबे कोई बताओ इसे मैं कौन हूँ। तुझे पता है मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। मैं नया हूँ तो क्या मतलब, कुछ भी बोलेगा तू। चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं। भिखारी बोलता है मुझको तू? मैं यहाँ का बॉस हूँ। मैं कहूंगा मैं यहाँ का एमडी हूँ तो मान लेगा क्या? भाई कोई गधा भी नहीं मानेगा कि तू यहाँ का एमडी है। तो वो उल्लू ही होगा जो कहेगा कि तू यहाँ का बॉस है। मुझे बेवकूफ मत बना। इसकी तो ये देख मेरा आईडी। हमारे बॉस का आईडी तेरे पास कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ से चले आते। मेरा आईडी तुझे बिल्ली मुझे से मैं अभी किसी को बुलवा कर मैं इसे नौकरी से निकलवा देता हूँ। भिखारी के पास फोन? देखा, देखा देखा, अब तो समझ जा। इतना महंगा मोबाइल मेरे पास है और तू मुझे यहाँ से बाहर निकालने की बात कर रहा है? जरूर ये चाइना का सस्ता माल होगा, मुझे पागल समझा है क्या? भिखारियों की लाइफ पे प्रोग्राम बनाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ, तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा क्या? चल निकल यहाँ से। भाग, जाता है कि कुत्ते छोड़ू तुझे। चल भाग, वहां जाके बैठ जा। इसकी तो अगर किसी और चैनल को पता चल गया कि कंपनी की सीईओ को एक वॉचमैन ने निकलकर बाहर फेंका है तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। क्या जमाना आ गया। हाँ देख लूंगा क्या करूँ इसका मैं। साला ऐसे वक्त तो दिमाग भी काम नहीं करता। अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा तुमने, ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, अभी देखती हूँ इसे। फिर से आ गया। अरे तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारे सीईओ है, हम सबके बॉस। सॉरी सर मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे लगा आप भिखारी हैं जो भीख मांगने निकले। तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। सॉरी सर पर आपका हुलिया ही ऐसा है ना। नॉनसेंस, उस सिक्योरिटी गार्ड को मेरे टैलेंट की पहचान ही नहीं है। भिखारी बनने में क्या टैलेंट सर? दोस्तों मैं आपके बीच रहने वाला एक आम इंसान हूँ। ये गई जगह। आज के इस इंटरनेशनल भिखारी डे पर मैं आपको उनकी कुछ खास बातें बताने वाला हूं। इस देश में जहां 90% लोग करियर के नाम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चुनते हैं, वहीं यहां के भिखारी कितना कमाते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मैं खुद भिखारी के बेश में रिसर्च करने निकला तो ये जानकर हक्का बक्का रह गया कि एक भिखारी करीब करीब 2,400 रुपया कमा लेता है, वो भी 3 घंटे में। हमने पूरा हिसाब किताब कर लिया, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमान भिखारी कन्नप्पा से। नमस्कार। भिखारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप भी एक भिखारी लग रहे हैं। इसीलिए तो आप इतनी कमाई कर पाए। एक बात तो आपको समझनी होगी सर, भीख देकर लोग अपने सारे पापों का प्रायश्चित करते हैं। हम पर कोई एहसान नहीं करता सर, और भीख कौन नहीं मांगता? टीआरपी बढ़ाने के लिए आपने भी ना। ये तो मुझे ही लपेट रहे। हम भीख के इस जंजाल को और अच्छी तरह से समझेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है सर। ये नैना किधर है? उसने कहा था ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ब्रेकिंग न्यूज लाने वाली है। लंच टाइम हो गया और अभी तक उसी का आता पता नहीं, कहां पर खो गई है।